Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying accounting for partnership firms and the present chapter is on goodwill, nature and valuation. The question is, average profit of a firm during the last few years is rupees 2 lakh. Normal rate of return is 10%. Goodwill of the firm is valued at 2,50,000 at 4 years purchase of a super profit. Find out the capital employed of the firm. अब फार्म का कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। तो वर्किंग नोट में इसका बेसिक्स लिखो, दैट इज गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड इज इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू इयर्स परचेज। और इसको खोलते जाओ, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इनटू इयर्स परचेज। वैल्यू पुट करो, गुडविल दे रखा है वैल्यूड एट 2,50,000, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख क्वेश्चन में दे रखा है और नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है इस क्वेश्चन में, और 4 इयर्स परचेज होगा सुपर प्रॉफिट का तो गुडविल निकलेगा। तो अभी नॉर्मल प्रॉफिट के तरफ लाओ सारे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,50,000 बाई 4 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। अभी इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद नॉर्मल प्रॉफिट 1,37,500 आया। एंड दिस इज फेयर नोट में करो, फेयर नोट में नॉर्मल प्रॉफिट तो आपका आ गया। फेयर नोट में बोल रहे हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% एंड नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, नॉर्मल प्रॉफिट आपके 10% है, रिवर्स ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट इंटू रिवर्स ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। तो दैट इज इक्वल टू 1,37,500 का 10% को उल्टा कर दो, 100/10 कर दो, इट इज 90%, 90/10, दिस इज 13,75,000, दिस इज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 13,75,000 एंड दिस इज आपको नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ तक निकालो और नॉर्मल प्रॉफिट को रिवर्स रेट ऑफ रिटर्न में मल्टीप्लाई करने में कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है एंड यू कैन डू अकॉर्डिंगली एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।